लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिजी? नहीं, एक बहुत खूबसूरत फ्रेज मिला है। मोहन लौटा क्या? शायद कल लौटेगा। ये सेलिब्रेशन किस खुशी में? मुझे मालूम था तुम्हें याद नहीं होगा। इट्स माय बर्थडे। ओ, आई एम सो सॉरी रोजमेरी। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। अब मगर जन्मदिन का तोहफा? चलो अभी दुकानें खुली होंगी, कम से कम फूल ही मिल जाएगा। मुझे कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं चाहिए, बस एक प्यारा सा गाना सुना दो जॉनी अंकल। Naughty girl. Cheers. Cheers. एक मिनट, मैं अभी आई। मेरा बर्थडे ड्रेस पहचाना? मतलब जानी पहचानी नहीं लगती? What do you mean? सिर्फ तुम्हारी उर्वशी ही सज धज सकती है, मैं नहीं। मुझे सजने का शौक नहीं है क्या? वही कीमती वाला डिजाइनर्स ड्रेस। वही खरीदना था। ये औरत भी कितनी अजीब है। माई लिटिल स्पॉइल ब्रैट। ओके माई अंकल जॉनी, नाउ सिंग सॉन्ग फॉर मी। मजेदार कबाब है।
कहां से ले आई? ट्राई मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? पूछो। क्या उर्वशी का तुम्हारे साथ रहना जरूरी है? She's only a prop. वो दूसरी props के साथ वैन में क्यों नहीं रहती? अरे वक्त बेवक्त जरूरत पड़ती है, रिहर्सल करना पड़ता है, मेकअप करना पड़ता है, कभी कभी सजाना भी पड़ता है। ये सब तो मैं भी करती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ बात कुछ और है। तुम्हें इसका जुनून है, यू आर ऑब्सेस्ड विद हर। तू नहीं समझेगी, उर्वशी मेरी आत्मा का दूसरा रूप है, मेरा वजूद है। जब तू बड़ी हो जाएगी सब समझ जाएगी। बड़ी? मैं बड़ी नहीं हूं क्या? मुझे हमेशा बच्ची समझते हो तुम, बेवकूफ हो तुम। हमीद की तरह तुम भी पागल हो रहे हो। I have to go now. Papa must be waiting for me. Rosemary, wait. You're drunk. Wait. Wait. I hate you. मैं क्या कर सकता हूं? ये बच्चे जवान क्यों हो जाती हैं? बता सकती है तू? तू तो स्वर्ग की अप्सरा है, जवान, हमेशा जवान। मैं सचमुच घबरा गया था। लहरों के साथ में उठती एक भरपूर नारी को देखकर शायद उसकी मां मेरी कमजोरी थी। बता सकती है तू ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है? बता जादूगरनी, नखरे वाली अपने जेबों से जीन निकाल और बता। तू डरपोक है पर। नमस्कार, माफी चाहता हूं, आप लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ी। प्लीज सिट डाउन। अरे भाई मुन्ना भाई जी, आपने इनकी बोलती गुड़िया को देखा? नहीं सर, देखा तो नहीं है, पर सुना है कि बहुत बड़ा पॉपुलर सीरियल है। अरे भाई सीरियल नहीं, शो है। वेंट्रिलोक्विज्म। अरे भाई आजकल तो कोई करता ही नहीं। तकरीबन 15-1 साल पहले एक रुस्तम भाई थे मुंबई में, आप ही की तरह बहुत पॉपुलर हुए थे, लेकिन उनकी गुड़िया फिरंगी थी, आपने देखा उन्हें? जी नहीं सर, लेकिन सुना है कि उनके शोज झोपड़पट्टियों में बड़े पॉपुलर थे। भाई लेकिन आपने तो कमाल ही कर दिया, फिर से इस हुनर को जिंदा कर दिया। वैसे मैंने आपका या
एक ही शो देखा है? जवाब नहीं। केवल मैंने ही नहीं, तमाम लोगों ने बहुत पसंद किया। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं प्रभाकर बाबू, जो इस शहर के जाने माने व्यक्ति हैं। वो तो आपके बहुत बड़े फैन हो गए हैं। आपने उनका नाम तो सुना ही होगा। देखिए, मैंने आपको यहाँ एक खास काम के लिए बुलाया है। जॉनी जी, आप लोगों को बिठाकर हंसा सकते हैं, रुला सकते हैं, तो हम सब की ये इच्छा है कि पब्लिक को होल्ड करने की आपकी जो शक्ति है, जो ताकत है, इसे क्यों न जन सुधार में लगाया जाए। और हम चाहते हैं कि इसी छोटी सी सच्चाई को अगले चुनाव में आप जनता तक पहुंचाएं। हम लोग छोटे आर्टिस्ट हैं, तमाशा करके जीते। ये सब बड़ी बड़ी बातें हमारी समझ में नहीं आएंगी, हमें तो शब्द ही नहीं मिलेंगे। जॉनी, अगर आप जैसे लोग एक बार इस मैदान में आ जाएं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि बाजी हमारे हाथ में ही होगी। सर, शायद मुझसे नहीं होगा। अगर मुझे माफी कर दिया जाए तो अच्छा है। अरे कैसी बातें करते हैं। अरे भाई, कुएं का मेंढक बन के रहने से क्या फायदा। हो सकता है कि चुनाव के बाद आप यूरोप जाएं, अमेरिका जाएं, और ये सारी व्यवस्था भी हमारी संस्था ही करेगी। आफ्टर ऑल, वेंट्रिलोकिज्म इज मुन्ना भाई। जी सर। बाकी की तमाम बातें आप इनसे कर लीजिए, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूं। साहब, अब मुझे इस लफड़े से दूरी रखिए। ए खुशकिस्मत समझ अपने आप को, बॉस इतना टाइम बहुत कम आदमी को देता है। उनके सामने आदमी तो क्या, चिड़िया भी ना नहीं कर सकती। भैया तो बराबर है तेरा, क्या कल सुबह आके एडवांस ले जा।